Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. बच्चों, alternating current के concept video पाने के लिए join button पर click करें या फिर इस number पर call करें. Alternating circuit containing a resistance of 10 ohm and inductance of 1 by 10 part. यानी कि R is equal to 10 ohm, L 1 upon कितना बोल रहा है 10 पाई, पाई नीचे है ठीक है, ताकि ऊपर वाला पाई कैंसल हो जाए. हेनरी इज इन सीरीज विद एंड इज कनेक्टेड विद 100 वोल्ट ईएमएफ, वी इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ये वी बीआरएमएस है असली में, और 50 साइकल्स पर सेकंड यानी 50 हर्ट्ज हमारी क्या है, 50 हर्ट्ज है, अक्षर बहुत आ रहे हैं. फ्रीक्वेंसी ठीक है. कैलकुलेट द पावर लॉस, तो पावर लॉस के लिए हमें इम्पीडेंस जेड की जरूरत पड़ेगी. उसके बाद पावर, क्योंकि पावर लॉस में वी आर एम एस आई आर एम एस है ना, पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई लगाना होता था ना, आई की भी जरूरत पड़ेगी, आरएमएस करंट भी चाहिए होगा. तो सब कुछ निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस नहीं है तो जेड का फॉर्मूला थोड़ा सा सिंपल होगा. जेड इज इक्वल टू एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें एक्सएल भी नहीं पता है. तो चलो पहले एक्सेल ही निकाल लेते हैं. लो एक्सेल बच गया. ऐसा आप कॉपी में नहीं कर सकते ना. एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल. ओमेगा क्या है, ओमेगा आ जाएगा भाई, यहां से ओमेगा आ जाएगा, बहुत बार हो चुका है, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो 100 पाई एल किससे मल्टीप्लाई, 1/10 पाई, तो पाई पाई कटा, जीरो जीरो कटा, तो हमारे पास एक्सएल कितना बचा 10, बहुत बढ़िया 10 ओम. आर भी हमें दिया गया है 10 ओम. दोनों की मदद से हम अपने इम्पीडेंस को निकाल लेंगे, एक ये इसकी मदद से क्या निकलेगा, जेड इज इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, जिससे z आ जाएगा 10 रूट 2 ओम ठीक है. तो एक काम हो पाया, अभी बहुत दूर है अभी हम लोग पावर लॉस से. अभी भी एक्सेल कितना है 10 ओम, और ये z है 10 रूट 2 ओम है. आई आर एम एस निकल आएगा, Z पता है और V पता है, I निकल आएगा ठीक है. गोल हमारा केवल पावर लॉस ही निकालना यहां पे गोल था, तो पावर लॉस को हम लोग लाल से कर ले है ना, थोड़ी इज्जत दे दे, पावर लॉस हमें निकालनी है ठीक है. अब उसके बाद वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड. वी 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 है 100, आई आर एम एस तो निकालना है, जेड है 10 रूट 2, 100 डिवाइडेड बाय 10 रूट 2, रैशनलाइजेशन आई आर एम एस. चलो भाई चलो भाई चलो भाई, काटो काटो काटो, रूट 2 यानी 2, 2 काटेगा तो 5 आ जाएगा, आई आर एम एस आ गया कितना, 5 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, आई आर एम एस इज इक्वल टू 5 रूट 2, क्या एम्पियर, ये भी लिख लो, जो जो आता जाए वो जो लिखते जाओ, 5 रूट 2 एम्पियर. अब पावर लॉस निकल आएगी, यही आ जाएगी जगह, पी बार है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, याद करो फाई का डायग्राम होता था ऐसा, जेड आर, और यहां पे हम लोग एक्सएल माइनस एक्सी लेते थे,
एक्सेल एक्सी की अभी यहां जरूरत नहीं है। अगर कॉस निकालना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। बहुत बार हो चुका है ये सब यार, डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे ना आइए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए। जब मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर सकता हूं तो आप देख तो सकते हैं। IRMS क्या है, 5√2 cos phi है R/Z। मैं यही पे लिख देता हूं, रीजन लिख देता हूं, cos phi इज इक्वल टू R/Z और R कितना है बोल भाई, R 10, Z 10 रूट टू, यानी कि 1/√2। लो तो 100 × 5 = 500 पावर आ गया 500 वॉट, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, इतनी स्पीड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सरसाइज खत्म कर ली है। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।